हम सभी को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चेक करने में काफ़ी दिक्कत होता है। मल्टीमीटर का यूज़ करके हमें एक एक कंपोनेंट को चेक करना पड़ता है, जिससे कि हमें कंपोनेंट के बारे में जानकारी पता चलता है। जिससे कि एलईडी जल रहा है फॉरवर्ड वायस पे, रिवर्स वायस पे नहीं जल रहा है, तो इस तरीके से चेक करते हैं। और ट्रांजिस्टर आईजीबीटी मॉस्फेट, उसको भी गेट्स के साथ ड्रेन और सोर्स आइसोलेटेड है कि नहीं, और ड्रेन और सोर्स के साथ रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं, कॉन्टिन्यूटी आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से सभी को चेक करना पड़ता है। रिले का इंडक्टेंस हम मल्टीमीटर से, नॉर्मल मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं कर सकते, कैपेसिटर का वैल्यू नहीं पता कर सकते। तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए लो बजट में, जो कि हमें सब कुछ कंपोनेंट टेस्ट करके बताए। यहाँ पे मैंने एक आर्डिनो नैनो का यूज़ करके एक डीसी जो 3 टर्मिनल पैसिव डिवाइस होता है, जितना भी सारा कंपोनेंट होता है, उस सभी को टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाया हुआ है। इसको मैं आपको पहले चला के दिखाता हूँ एक बार, उसके बाद इसका बनाने का प्रोसेस बताऊँगा। तो इसके हम इस ट्रांजिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं। इस ट्रांजिस्टर के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, ये क्या है, इसको कैसे चेक करना है, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे सॉकेट में और इसको पावर ऑन करेंगे। तो देखिए ये पावर ऑन हो रहा है और ये टेस्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर बता दे रहा है, 1 नंबर कलेक्टर एमिटर, 2 नंबर कलेक्टर, 3 नंबर बेस, और इसका बीटा मतलब गेन कितना है वो भी बता दे रहा है, और साथ ही साथ इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड करंट सब कुछ बता दे रहा है, जिससे कि हम कोई भी एलिमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मीटर में जो है कैपेसिटर और इंडक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस पर मैं आपको सभी कंपोनेंट टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये काफ़ी एक्यूरेट है, इससे आप कोई भी टाइप का पैसिव एलिमेंट टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये एकदम एक्यूरेटली बता रहा है। तो उसके बाद एक कैपेसिटर को टेस्ट कर लेते हैं। कैपेसिटर टेस्ट करने के टाइम थोड़ा सा इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि लूज होगा तो रॉन्ग वैल्यू शो करेगा। तो इसको हम टेस्ट बटन पे दबाते हैं, तो टेस्ट बटन के दबाने पर ये टेस्टिंग कर रहा है। तो देखिए इसका वैल्यू जो है 47 माइक्रोफैराड, यहाँ पे देखिए 47 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा था वो था जो है 48 माइक्रोफैराड, काफ़ी क्लोज था। तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, एक बार फिर से टेस्ट बटन का दिखाता हूँ। नॉर्मली कैपेसिटर टेस्ट करने का नॉर्मल मल्टीमीटर में फंक्शन नहीं होता है, महंगे मल्टीमीटर में होता है। तो हम इंडक्टर फाइंड कर लेते हैं। ये एक रिले है, इसका कॉयल जो है ये दोनों पिन है, यहाँ पे तो कोई भी 2 वायर हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम टेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका इंडक्टेंस कितना आता है और रेजिस्टेंस। तो देखिए इसका इंडक्टेंस आ गया 46 मिली हेनरी और इसका रेजिस्टेंस 87 ओम। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट 2 टर्मिनल का या 3 टर्मिनल का, जैसे कि ये रेड एलईडी का वोल्टेज जो होता है कम होता है नॉर्मल एलईडी की तरफ। देखिए इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो देखिए इसका 1 नंबर पिन मतलब इधर का पिन एनोड है, इधर कैथोड है, और इसका फॉरवर्ड वोल्टेज 1.86 मतलब रेड एलईडी कम वोल्टेज में ही चालू हो जाता है। और ग्रीन एलईडी का देख लेते हैं कितना है, कोई भी 2 पिन पे लगाइए तो, और टेस्ट बटन पे दबाइए। तो देखिए टेस्टिंग हो रहा है, देखिए ये 2.78 वोल्ट पे चलने वाला एलईडी है, इसका 2 नंबर एनोड है, 3 नंबर कैथोड है। तो ये देखिए ये वाला 2 नंबर पे लगा हुआ था बड़ा पिन एनोड। इस तरीके से कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पे एक मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं, उसके बाद एक बड़ा कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मॉस्फेट को हमने लगा दिया, तो देखिए ये देखिए ये एन चैनल मॉस्फेट है, एनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट, इसका 1 नंबर गेट है, 2 नंबर ड्रेन, 3 नंबर सोर्स, और इसका जो जंक्शन कैपेसिटर होता है मतलब गेट टू ड्रेन, और इसका ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस सभी कुछ शो कर रहा है। तो चलिए इसका बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद इस पे सभी कंपोनेंट को मैं एक एक करके चेक करके बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितना भी सारा कोडिंग हार्डवेयर सभी का डिटेल इस वीडियो पे मिलेगा। आर्डिनो नैनो पे अगर आप दूसरा कोड डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं जो कोड दूंगा वो इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया हुआ है, तो आर्डिनो नैनो पे बेस्ट काम करेगा, किसी भी आर्डिनो बोर्ड पे काम करेगा। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, देखते हैं। डिजिटल
कंपोनेंट टेस्टर को बनाने के लिए हम लोग पहले, ये मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा था, तो इसके बारे में और डिटेल पाने के लिए मैंने गूगल किया, गूगल पे सर्च किया आर्डिनो बेस कंपोनेंट टेस्टर। इसके बाद मुझे कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिला, तो मैं पिक्चर में जाके देखा और काफ़ी सारा वीडियो बना हुआ था पहले से ही, ये काम करता है कि नहीं और आर्डिनो नैनो पे काम करेगा कि नहीं कोड, यही मेन बात है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पहले से ही, तो मैं इसको बना के आपको वेरीफाई करके बताऊँगा कि यह काम करेगा कि नहीं, तो उसके बाद ही आप बनाइए। मैं इसको बनाने के टाइम एक प्रॉब्लम को फेस किया था, कोडिंग आर्डिनो यूनो का था जो ओपन सोर्स था और वो नैनो पे काम नहीं कर रहा था। ये वेबसाइट से मैंने इसको कोड को इंप्लीमेंट किया है, ये आर्डिनो का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का वेबसाइट है। तो यहाँ पे इसका आर्डो टेस्टर भी 1.13 ये इसका वर्जन है और ये आर्डिनो यूनो पे बेस्ड है। तो ये कोड आर्डिनो नैनो पे मेमोरी मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम होता है, तो वो उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। आप मेरा वाला कोड अपलोड कर देंगे, सेम कोड ही है, जस्ट आर्डिनो नैनो पे मेमोरी जैसे यूटिलाइज हो जाए, जो उसका बूट लोडर बंद हो जाए, इस तरीके से कस्टमाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट पे ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो इसके बारे में रेजिस्टेंस, सर्किट डायग्राम, कोड सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपके पास आर्डिनो यूनो है या आप और भी खुद इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके जो मेन सोर्स है ये इस वेबसाइट से ही सभी ने इसका स्कीमेटिक और कोड लेकर के सभी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। तो हम भी आज इसको ट्राई करके देखेंगे ये काम करता है कि नहीं, अगर ये काम करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए एक जीरो पीसीबी लगेगा, जो कि जीरो पीसीबी बनाने में टाइम लगता, तो मैं इसका एलसीडी का कनेक्शन जो है पहले से किया हुआ हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पूरा वीडियो में देखते रहे, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है एलसीडी का कनेक्शन मैंने पहले से कर दिया है, एलसीडी का 5 वोल्ट और डेटा का कनेक्शन और इनेबल रीड राइट और बैकलाइट का कनेक्शन हो गया है। और यहाँ पे एक 7809 9 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि आर्डिनो को 9 वोल्ट पावर सप्लाई दे रहा है 12 वोल्ट सप्लाई से, जिससे कि आर्डिनो अपना काम कर सके। उसके बाद यहाँ पे आपको लगेगा 470 ओम के का रेजिस्टेंस, तो मेरे पास ये 460 के का रेजिस्टेंस है, एक्चुअली ये 470 का है, मल्टीमीटर में उतना एक्यूरेट नहीं दिखाता है। और इसके बाद 680 ओम का रेजिस्टेंस, उसके बाद 10 के का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू यूज़ करना है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे एक LCD हम यूज़ करेंगे 16:2 LCD डिस्प्ले करने के लिए डेटा को, आप कोई भी डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोड में चेंज करना पड़ेगा। तो LCD लगेगा और उसके बाद कुछ एक आपको आर्डिनो नैनो लगेगा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, यहाँ पे आप आर्डिनो नैनो आर्डिनो यूनो कोई भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आर्डिनो नैनो बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं आप, कोई भी आर्डिनो का बोर्ड यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी पे ये कोड काम करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दो पुश बटन लगेगा, एक टेस्ट फंक्शन के लिए और एक रिसेट के लिए। उसके बाद कुछ एक कैपेसिटर लगेगा जो कि रेफरेंस पिन के साथ कनेक्ट होगा, 104 नैनो फैराड, और कुछ लेग और कुछ फीमेल हेडर। तो अगर आपको इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए इसको फटाफट मैं आपको असेंबल करके इसका टेस्टिंग फुल बताऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद इसको कंप्लीट बना पाएंगे।
see straight through my light. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when I try to look, I wish I'd find. Oh, I how can I love when I've been hurt 100 times? For you I'd give it one more try. Oh, I leave them all behind, but don't know how. Bury my head deep within the crowd. But I'm reaching for your hand to pull me out. Oh, I are you the one when I try to look? I wish I'd find. Oh, I how can I love when I've been hurt 100 times? यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ और साथ ही साथ कोड भी दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक स्केच के अंदर बहुत सारा स्केच है, तो आपको पहले तो सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंप्लीट सर्किट डायग्राम दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका यूज़ करके आप इसको फुल प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, कोई भी इस पर प्रॉब्लम नहीं होगा। सब कुछ मैंने टेस्ट करके उसके बाद ही बनाया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसका देखिए कनेक्शन टोटल है, तो यहाँ पे फुल डायग्राम, आईसी का पिन आउट, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज और बाकी सब कुछ दिया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको आर्डिनो का कोड भी दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको अपलोड करना है। अगला जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो है डिजिटल बैस लेवल कंट्रोल यूजिंग TDA 7439 39। और यहाँ पे देखिए ये सर्किट तो आपने कंप्लीट देख चुके हैं, तो उसका तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो को टेस्टिंग देखने के बाद ही डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम काफ़ी सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो आपको वो ना ही करना पड़े, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिए, उसके बाद ही देखिए बनाइए इसको। सर्किट डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो देखिए यहाँ पे ये कोड है, ये जो कोड है इसके साथ बहुत सारा लाइब्रेरी इंक्लूडेड होगा, मतलब अलग अलग फंक्शन को टेस्ट करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी यहाँ पे है। तो एक कोड को आप जब खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी कोड खोल जाना चाहिए, खुल जाएगा। उसके बाद जो है आर्डो टेस्टर जो है उस पर क्लिक करना है और उसको कोड को अपलोड कर देना है। इस पर आप जो है आर्डिनो यूनो पे डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा, लेकिन आर्डिनो नैनो पे मेमोरी का प्रॉब्लम दिखाएगा।
तो मेरे कोड में इसको सॉल्व किया गया है, मेरा कोड यूज़ किया, अच्छे तरीके से काम करेगा। You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. In the light of day. अभी एक बड़ा कैपेसिटर को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो अभी इस पर काफ़ी सारा मतलब कुछ कंपोनेंट टेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि आपका आइडिया हो जाए ये किसी भी तरीके का इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट सब कुछ टेस्ट कर सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिंपल एक रेजिस्टेंस एक LED से शुरुआत करते हैं। तो LED को हमने लगाया और इसको पावर किया, तो यह अभी टेस्टिंग कर रहा है। तो देखिए टेस्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे दो नंबर एनोड है, एक नंबर कैथोड है। ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 2.7 वोल्ट है। ये LED के बारे में पता चल गया। इस ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं ट्रांजिस्टर कौन सा है। ट्रांजिस्टर को लगाया, टेस्ट बटन पे क्लिक किया, यह देखिए टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, एक नंबर मीटर, दो नंबर कलेक्टर, तीन नंबर बेस और इसका बीटा मतलब गेन वैल्यू। इस तरीके से काफ़ी सारा पैरामीटर इस पर दिखाएगा, जो जो कंपोनेंट के बारे में आपको जानकारी ज़रूरत होता है वो सभी दिखाएगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर को टेस्ट कर लेते हैं। कैपेसिटर को थोड़ा पकड़ के रखते हैं, लूज ना ही होना चाहिए। तो देखिए कैपेसिटर को लगा दिया, यहाँ पे 3317 दिखा रहा है। इसका कोड भी आप देख सकते हैं 474। ये एक्चुअली कैपेसिटर को अच्छे तरीके से इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, लूज होगा तो रॉन्ग वैल्यू थोड़ा इधर उधर शो करेगा। तो इसको एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए अभी एकदम परफेक्ट वैल्यू दिखा रहा है 4-5। यहाँ पे एक एक्सटेंड करने के लिए बड़ा डिवाइस को चेक करने के लिए एक वायर लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं इस पर एलिगेटर क्लिप को अच्छे तरीके से लगा देता हूँ। अब हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए इसको ऑन किया तो ये अभी कैपेसिटर को टेस्ट कर रहा है, इसको चार्ज करके डिस्चार्ज करके देख रहा है कितना टाइम लग रहा है, उससे ये इसका वैल्यू फाइंड कर रहा है। देखिए ये अभी चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, चल रहा है इसका। ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा चार्ज डिस्चार्ज होने में। ये देखिए 218 माइक्रोफैरड दिखा रहा है और ये देखिए इसका वैल्यू 220 माइक्रोफैरड, काफ़ी क्लोज है। ये थोड़ा पुराना कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस थोड़ा घट गया है। और इस तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस, ये पे देखिए ये 100K का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका 100 किलो ओम दिखा रहा है। देखिए ये काफ़ी अच्छा काम करता है, इससे कोई भी कंपोनेंट टेस्ट कर सकते हैं। देखिए इसका NPN और एक नंबर एमिटर, दो नंबर कलेक्टर, तीन नंबर बेस, गेन और इसके अंदर और भी फीचर्स है। इस बटन को दबा के रखने पर और भी फीचर इस पर आता है। तो देखिए ये आप ट्रांजिस्टर चेकिंग के लिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। फ्रीक्वेंसी जनरेटर में आपको दिखाता हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी जनरेटर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी जनरेटर, PWM, काफ़ी सारा फीचर्स है। तो देखिए इसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए 50% इसका ड्यूटी साइकिल पर रखा हूँ और तभी थोड़ा जल रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब ड्यूटी साइकिल इंक्रीज करने पर ये 100% होने पर फुल ग्लो कर रहा है LED, और देखिए 0% होने पर बंद हो जाएगा और ब्राइटनेस इसका कम ज़्यादा होगा ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग। इसके अंदर 0 पे जितना ड्यूटी साइकिल इंक्रीज कर धीरे धीरे लाइट का ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से इसका ड्यूटी साइकिल काम कर रहा है और काफ़ी सारा फंक्शन है इसमें जो है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस चेकिंग, कैपेसिटर चेकिंग, कैपेसिटर करेक्शन, अब सेल्फ टेस्ट है इस पर और शो डाटा, और मेन चीज़ जो ट्रांजिस्टर चेकिंग, फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेटर दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए इसका दबाने के रखने के बाद यहाँ पे एक LED को मैं लगा देता हूँ। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी मैं चेंज करके दिखाता हूँ।
ये देखिए अभी 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज पे है, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना जल्दी फास्ट ये चालू बंद होगा। मैक्सिमम ये 9 हर्ट्ज तक जाएगा। देखिए 1 हर्ट्ज पे ये 1 हर्ट्ज पे सेकंड पे एक बार चालू हो रहा है बंद हो रहा है। इस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शन है इसके अंदर। तो अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस प्रोजेक्ट का टोटल फुल डायग्राम और सर्किट के कोड वोड सब कुछ डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, आप इसको बनाइए। ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से काम करेगा, इसका कोड नैनो पे काम करेगा, कोई भी बोर्ड पे काम करेगा। तो चलिए मैं मिल रहा हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।